Assalamualaikum viewers, एक नई किरण, नई उम्मीद, नई इरादों के साथ मैं आपकी शेफ सैयदा आदा अमीन शम्सी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। तो जनाब, आज हम जो बना रहे हैं सबके दिल अजीज हर दावत की शानो मान समझ तो आप लोग गए होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं सिंधी बिरयानी तय वाली और मसालेदार सी करके, स्पाइसी भी और अच्छी सी भी। तो जनाब, जो आज मैं आपको बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ उसके इंग्रेडिएंट्स आप लोग नोट डाउन कर लें। यहाँ पर हमने लिया हुआ है 750 ग्राम्स अपने चिकन लिया है हमने यहाँ पे। यहाँ पर हमने टोमेटोस यूज़ किए हैं, तकरीबन आधा किलो हमारे टमाटर हैं, रफली हमने इनको कट किया हुआ है। यहाँ पर हमने फ्राइड अनियन यूज़ की है। यहाँ पर हमने अपने आलू यूज़ किए हैं, हमारे यहाँ कम ही आलू खाए जाते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा आलू पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लीजिए। हमने आलूओं को फूड कलर लगा के बॉयल करा है। यहाँ पर हमने चावल यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पर हमने कुछ मसाले लिए हुए हैं जो कि हम चावलों को बॉयल करते हुए डालेंगे, जिसमें है ज़ीरा, तेज़पात, लौंग है हमारे पास यहाँ पर, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और नमक। यहाँ पर है हमारे पास ये मसाले, हम चिकन को मैरिनेट करते वक्त डालेंगे, जिसमें है लाल मिर्ची पाउडर, रेड चिली पाउडर है, जिसमें धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर है, जावित्री पाउडर है, हमने यहाँ पर 1 पिंच लिया है, सॉल्ट है, सॉल्ट एस्टेस अपने टेस्ट के मुताबिक डालें यहाँ पर हमने, और 1 चम्मच यूज़ किया है गरम मसाले का। और बीच में कुछ हमने यहाँ पर काली मिर्ची भी ली हुई है जो कि हम इसको मैरिनेट के वक्त डालेंगे, और लेमन है। यहाँ पर हमने तकरीबन 1 कप के करीब दही यूज़ किया हुआ है जो कि हम मैरिनेट के वक्त डालेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने ये मसाले लिए हुए हैं जो कि हम ऑयल को फ्राई करेंगे और फिर उसमें डालेंगे, जो कि हैं कुछ यूँ, जिसमें ज़ीरा है, इलायची है, 2 अदद छोटे साइज़ के तेज़पात हैं, लौंग है, दालचीनी है, और यहाँ पर आलू बुखारे हमने यूज़ किए हुए हैं, क्योंकि ये बाज़ार के उसमें भी मिलते हैं लेकिन हम अपना घर का बना रहे हैं, बाज़ार जैसा टेस्ट देगी बिरयानी का। और यहाँ पर हम लोगों ने लिए हुए हैं, ये हम लोग डालेंगे दम के वक्त, जब हम बिरयानी को दम देंगे उसमें हमने यूज़ किया है। हरी मिर्चें हमने ली हुई हैं, यहाँ पर कुछ मिंट यूज़ किया यानी पुदीना, लेमन के हमने स्लाइसेस कट कर दिए हैं, और टोमेटो यानी कि टमाटर। तो जनाब, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा लिया है फूड कलर। तो जनाब, अब हम मिलते हैं मैरिनेशन के वक्त। तो जनाब यहाँ पर हमने अपने लहसुन का, हरी मिर्चों का और अदरक का पेस्ट बना लिया है। अब हम लोग इसमें डालेंगे अपने ये वाले मसाले। ये हमने डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने लेमन जूस। अब हम लोग इसमें डालेंगे अपना दही। सारा दही डाल दें। अब हम लोग इसमें डालेंगे अपना चिकन, और अब हम इसको मिक्स करेंगे। माता भी दिखा दो। आप लोग चाहें तो आप अपने चिकन के कट्स लगा लें, मैंने नहीं लगाए हुए हैं। इधर मिक्स करें अच्छी तरह से। ये देखें जी, यहाँ पर हम लोगों ने अपने चिकन को मैरिनेट कर दिया है, और अब हम लोग इसको अपने रेफ्रिजरेटर में रखेंगे यानी कि फ्रिज में रखेंगे हम इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप सुबह से इसको रख दीजिए, ताकि जितना अच्छा मैरिनेट होगा उतना अच्छा होगा। लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है, हमने आपको दिखाना भी तो है अपनी जल्दी से बिरयानी बना के, तो मैं इसको जल्दी जल्दी स्टार्ट करूँगी इसको बनाना। अब हमें मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। ये देखें, यहाँ पर हम लोगों ने अपने अनियन को फ्राई किया हुआ है। अगर आप लोगों के पास फ्राइड अनियन नहीं है तो आप पहले अपने पैन में ऑयल डालें, ऑयल डालने के बाद प्याज डालें, और फिर आप लोग अपने मसाले डालिएगा जो कि हैं कुछ यूँ, ये वाले मसाले आप फिर उसमें डालिएगा, ठीक है। मगर हमने अपनी अनियन फ्राई की हुई है तो हम पहले ऑयल में अपने ये मसाले डाल देंगे, और फिर बाद में हम अपने जब हम चिकन डालेंगे उस वक्त हम इसको ये डाल देंगे, या तो फिर पूरी हम लोग चिकन जब रेडी हो जाएगा उस वक्त भी हम इसको डाल देंगे, ठीक है। चले जी,
गाइस अब हम लोगों ने अपने पैन में ऑयल डाल दिया है और ये वही ऑयल है जिसमें हमने अपनी प्याज को फ्राई करा था। और अब हम लोग इसमें अपने ये मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूं है, तेजपात, इलायची, जीरा, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी। थोड़ा सा इनको गर्म होने तक हम इनको भूनेंगे, फ्राई करेंगे थोड़ा सा हम इनको। ये देखें अब हमने इसमें अपने टमाटर डाले हैं। अब हम इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच या आप लोग आधा कप कह लें इतना हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखें जी हमने इतने फ्लेम पे अपने टमाटरों को 2 से 3 मिनट तक ढक्कन ढक के मतलब कैप करके अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। व्यूअर्स यहाँ पर हमारे टमाटर भून रहे हैं, तो जनाब जब तक हमारे टमाटर भून रहे हैं मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। मैं इस चैनल पर नई आई हूँ इसलिए आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को कहें कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आपको हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले, मैं और ज़्यादा बनाऊँ अपनी वीडियो। टमाटरों की भुनाई कर लेती है अच्छी तरीके से। व्यूअर्स यहाँ पर हमने अपने टमाटरों को छिलके के साथ लिया है, तो आप भी अपने टमाटर को छिलके के साथ लीजिएगा क्योंकि बिरयानियों में छिलके वाले टमाटर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, खास करके सिंधी बिरयानी पे। व्यूअर्स इसमें अब अपना मैरिनेट वाला चिकन डाल दीजिए आप लोग अच्छी तरह से, सारा मसाला निकाल लीजिए, मिक्स कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए इसको अच्छी तरह से। नॉन स्टिक में कोशिश करें कि लकड़ी का चम्मच ही लें, ज़्यादा अच्छा रहता है वो, स्टील का चम्मच इतना अच्छा नहीं रहता है, बिल्कुल ऐसे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। ये जो आपको थोड़ा थोड़ा सा भी यहाँ पर टोमेटोज नज़र आ रहे होंगे जिसके छिलके भी हैं और ये जो अभी थोड़े थोड़े से कच्चे हैं वो भी पकेंगे इसमें, ठीक है। व्यूअर्स ये देखिए यहाँ पर ये जो हमने अपनी प्याज फ्राई की हुई है इसमें से हम अपनी हाफ क्वांटिटी की निकाल लेंगे, इसको हम सर्व करेंगे। ये जब हम सर्व करते हैं इसको तो ये बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम अभी हम इसमें से हाफ निकाल लेंगे और हाफ अपने उसमें डाल देंगे। ये देखिए हमने इसमें से इतनी निकाल ली है और इतनी है इसमें अभी, और आप देखिए यहाँ पर प्याज हमने कितनी अच्छी सी फ्राई की हुई है, गोल्डन ब्राउन सी हमारी हुई हुई है। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करनी है ताकि इसमें क्रंची सा एक बन आए। देखें जी व्यूअर्स हम इसमें अपने आलू बुखारे डाल रहे हैं और देखें आप हम इसमें अपने फ्राइड अनियन भी डाल देते हैं। थोड़ी सी हम अभी डाल देंगे और थोड़ी सी हम इसमें तब डालेंगे जब ये पूरी भुन जाएगा अच्छी तरह से, मिक्स कर लीजिए। ये देखिए व्यूअर्स अभी हम इसको ढक देंगे और अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारे चिकन अच्छी तरीके से नहीं गल जाता, लेकिन हमें ज़्यादा भी नहीं गलाना है चिकन को कि वह पूरा रेशा रेशा होने लग जाए, कम ही गलाएंगे क्योंकि बिरयानी का चिकन है। ये देखें जी यहाँ वहाँ पर हमने अपने चिकन को गलने के लिए रख दिया है और यहाँ पर अब हमने अपने चावलों को पानी भर के रख दिया है, जब तक हमारा चिकन गलेगा तब तक हम अपने चावलों को पानी भर के रख देंगे, ठीक है। देखें फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपने चावलों के लिए पानी रखा है। देखें यहाँ पर हम ये वाले मसाले इसमें डाल देंगे जिसमें है जीरा, तेजपात, इलायचियाँ, 2 इलायची, 1 लौंग, 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल दें इसमें, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम लोग क्या डालेंगे। देखें इसमें हम लोग 1.5 चम्मच हमने इसमें डाल दिया अपने घी का और अब हम लोग इसको पानी के बॉयल होने तक पकाएंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमारा पानी जो है अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, देख सकते हैं आप कैसे इस पे बबल छा रहे हैं। और अब हम लोग इस पे डालेंगे अपने चावल। देखें जी यहाँ पर हम अपने डाल रहे हैं चावल, सारे चावल डाल रहे हैं अपने इधर अंदर। देखें जी यहाँ पर हमने अपने चावल डाल लिए हैं, अब हम इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक हमारे चावल कनी के नहीं हो जाते, 2 कनी के नहीं हो जाते। मैं वैसे तो लोग 1 कनी के करते हैं लेकिन मैं 2 कनी के इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे आसानी रहती है और दम भी जल्दी आ जाता है। और मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कैसे हमें 1 कनी का और 2 कनी के पता चलेंगे।
कट। ये देखें जी, यहाँ पर हमने अपना फ्लेम को ऑफ कर दिया है। देखिए हमारे चावल अच्छे तरीके से फूल गए हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने दो कनी के हो गए हैं सारे हमारे चावल अभी। ये देखें ऐसे, आप मेरे हाथ से ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा। ये देखें हम ऐसे तोड़ने थे ना, चावल टूट रहे, इसे कहते हैं दो कनी के, और मैंने दो कनी के ही करे हैं, ठीक है। और अब हम लोग इसे तकावदान में छान लेंगे, यानी कि छन्नी में छान लेंगे अब हम चावल। ये देखें, सॉरी गाइस, ये देखें आप, फिर से आपको बता देती हूँ, यहाँ पर हम लोगों ने ये ज़ाफ़रानी रंग लिया है, इसको मैंने इसके तकरीबन 1 से 2 पिंच मैंने इसमें डाली है, पानी में डाली। अगर आप चाहें तो आप दूध में भी डाल सकते हैं, इसको मिक्स कर लें और ये हम लोग अब अपने चावलों में डालेंगे। ये देखें जी, यहाँ पर हमारा मसाला भून गया है और अब हम इसमें डालेंगे अपने बॉयल्ड आलू। हमने इसके एंड में डाले हैं क्योंकि हमारे आलू बॉयल्ड हैं। अगर आपके आलू नहीं है बॉयल्ड तो आप लोग इसमें चिकन गल ले उसी वक्त आप इसको डाल दीजिएगा, ठीक है। मिक्स कर लें। इसको ये देखिए जी, अब हम लोगों ने इधर जो अपनी बाकी की प्याज बचाई हुई थी, अब हमने इस पॉइंट पे अपनी बाकी की प्याज भी डाल देते हैं। अगर आप लोगों को मसाला थोड़ा कम लगे या नमक कम लगे तो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें मसाला ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लीजिए इसको। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं या आपको कोई बनाना नहीं आ रहा या आपने कुछ पूछना है हमसे तो आप इसमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं हमसे। ये देखें जी, जिसमें हमने अपने चावल को बॉईल किया था उसी पतीली में हम इसको दम लगा देते हैं। देखिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, तकरीबन हमने इसमें डालना है 1/2 कप पानी। अब हम इस पर डालेंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल के, घी के हम डाल रहे हैं, आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। अब हम लोगों ने इसे मिक्स कर लिया है और अब हम लोग इसमें डालेंगे अपना मसाला वाला चिकन डालेंगे, मतलब अब हम लोग इसमें जिसका हमने कोरमा बनाया हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके सारा चिकन डाल दीजिए। हम इसे तकरीबन 2 तह लगाएंगे। ये देखें, ये देखें, अब हम लोग डालते हैं थोड़ा सा, बल्कि और डाल देते हैं। देखें अब हम लोग इसमें डालेंगे अपने चावल। देखें जी, अब हम लोग इसमें डाल रहे हैं अपने चावल। देखें अच्छी तरह से हमने इतने चावल डालने हैं कि पूरा सालन, ये जो हमने नीचे कोरमा डाला हुआ है चिकन का, ये पूरा कवर हो जाए, कहीं से भी नजर ना आए, ठीक है। ये देखें हम लोग इधर चावल डाल रहे हैं, एड सम राइस, ये वही वाले बॉइल्ड चावल हैं। देखें अच्छी तरह से डाल दें, किनारों पर भी डालें, सेंटर में भी डालें, हर जगह डाल दिए हैं, ठीक है। और अब हम लोग अपना डाल देते हैं वापिस इसे, अब हम अपनी एक सालन की लेयर लगा देते हैं। ये देखें ऐसे कर अब हम इसको लगा देते हैं पूरा अच्छी तरह से। ये देखें, ये देखें जी, हमने अपने सालन की दूसरी तह लगा ली है, अब हम लोग अपने चावल डाल देंगे इसके ऊपर। ये देखें राइस डाल दें, पूरी अच्छी तरह से सालन को लगाएं, कॉर्नर्स में भी डालें। देखें जी, देखें मज़े मज़े के हम आपको सिखा रहे हैं खाने। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। जनाब देखें, आप लोग बनाएं इंजॉय। ये देखें जी, यहाँ पर हमने अपने चावलों की अच्छी तरह से तह लगा दी है, पूरी एक लाइन बन गई है। ये देखें अब हम लोग अपने, ये देखें जी, जर्दा रंग हम इसमें साइड साइड पर करके डाल देते हैं। और अब हम लोग आपको बताते हैं, देखें जी, हरी मिर्ची रख दें और इसमें टोमेटोस रख दें, मज़ेदार सी बिरयानी हम बना रहे हैं क्योंकि, ये देखें जी, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, मज़ेदार सी बिरयानी को एंजॉय करें।
और हमें कमेंट्स में बताएं आप लोग कैसी लगी है बिरयानी आपको, और जो भी आपको सीखना है वो भी आप बताएं। और देखें जी, क्योंकि ये हमारे दो कनी के चावल हैं, इसलिए अभी हम लोग इसको दम लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ 12 से 13 मिनट, यानी कि 15 मिनट और हमें रख लें। देखें जी, हमें इसको टोटल मिला के हमने इसको सिर्फ 15 मिनट के लिए दम देना है। और ये देखें जी, ढक्कन ढक दें, ढक्कन देखें जी, ढक्कन पे हमने कपड़ा लगा के इसको ढक्कन पे दम देना है। मतलब इसके नीचे अगर आप चाहें तो तवा रख दें, हमने इसके नीचे तवा नहीं रखा है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपनी बिरयानी का दम हटा लिया है और आप देख सकते हैं कैसे हमने तकरीबन 15 ही मिनट बाद हमने हटाया है। देखिए यहाँ पर हमारी हरी मिर्ची भी कैसे फीके हुए कलर की हो गए हैं। अब देखिए आप, हम इसको आपको हटा के भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये देखिए जी जनाब, हमारी मजेदार सी देगी बिरयानी दाए रेडी हो गई है। ये देखिए, हम सबको नहीं हटाएंगे, हम सर्व करेंगे तो ऊपर से कुछ व्हाइट चावल डालेंगे, इसलिए हम पूरी नहीं हटाते इसको, ठीक है। देखिए मैं भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए जी व्यूअर्स, हमारी मजेदार सी सिंधी बिरयानी तैयार है। तो जी ये देखिए, हमने जो भी प्याज अभी हमने रखी हुई थी थोड़ी सी साइड पे, इसको हम इसके ऊपर स्प्रिंकल्स कर देते हैं। अच्छी लगती है ये प्याज बहुत, आप लोग भी ऐसे स्प्रिंकल्स करें इसके ऊपर। ये देखें, ऐसे ऐसे डालते हैं प्याज को। ये देखें जी, ये देखें जी, हमने इसमें अपनी प्याज भी डाल दी है, हमारी मजेदार सी सिंधी बिरयानी तैयार हो गई है। और मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ कि हमारी बिरयानी कैसी बनी है। चलें जी, बहुत मज़ेदार हमारी बिरयानी बनी है। तो जी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।